साथ यूनिट नंबर 9 में नया टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे साथ क्या होते हैं? आपके साथ किसी जिस्म की जो दर्जे हरारत होती है, यानी एक जिस्म कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसकी ये ठंडक या इसकी गर्माइश को हम क्या कहलाते हैं? इसको हम टेम्परेचर कहलाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की अगर आप जो दर्जा हरारत होती है इसको आप नाप करें, नापने इसकी जो दर्जा हरारत होती है इसको हम क्या कहलाते हैं? टेम्परेचर होती है। फिर हमारे साथ टेम्परेचर के नापने के दो तरीके होते हैं। इसके लिए हम दो स्केल्स इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे साथ होता है फारेनहाइट स्केल होता है और दूसरा सेल्सियस स्केल होता है। हमारे साथ इन दोनों हमारे साथ फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक ही तरह के मेजरमेंट करते हैं, सिवाय इसकी कि हमारे साथ फारेनहाइट स्केल जो होता है इसमें, अब फॉर एग्जांपल हम पानी का मिसाल ले लेंगे, एग्जांपल ले लेंगे, हमारे साथ फारेनहाइट में आपके साथ पानी जो होती है 32 पे आपके साथ फ्रीज होती है, यानी आपके साथ 32 पे ये बर्फ बन जाती है। और आपके साथ 212 पे ये क्या होता है? बॉयलिंग करता है, उबलता है। इसी तरह हमारे साथ अगर सेल्सियस स्केल पे हम नापे, दोनों हमारे साथ तराजू हैं, नापने के तरीके हैं जिस पे हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को नापते हैं। तो हमारे साथ सेल्सियस में आपके साथ 0 डिग्री पे क्या होता है? पानी फ्रीजिंग करता है। और 100 डिग्री पे क्या करता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके साथ बॉयलिंग करता है। तो आपके साथ फारेनहाइट और सेल्सियस में सिर्फ फर्क ये है कि अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होते हैं तो फारेनहाइट में आप 32 पे से शुरू होते हैं, और अगर आप आपका बॉयलिंग पॉइंट जो होता है वह पानी का अगर यहाँ पे 100 तक पहुँचता है तो आपके साथ वह बॉयलिंग पॉइंट आपके साथ जो फारेनहाइट स्केल होता है इसमें कहाँ तक पहुँचता है? 212 तक पहुँचता है। तो ये थे हमारे साथ टेम्परेचर नापने के दो मुख्तलिफ तरीक़े, जिसको जिसमें हम एक को फारेनहाइट कहलाते हैं और दूसरे को क्या कहलाते हैं? सेल्सियस कहलाते हैं। इसके बाद हमारे साथ टेम्परेचर हम नापते कैसे हैं, टेम्परेचर का हम मेजरिंगमेंट किस तरह करते हैं, तो इसके लिए हमारे साथ एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल, क्लिनिकल थर्मामीटर हमारे साथ एक ऐसा आला होता है, एक ऐसा टूल होता है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं? हम टेम्परेचर को नापते हैं। हमारे साथ ये इसी तरह का होता है, एक आला होता है, यहाँ पे हमारे साथ इसका जो नोक होता है, यहाँ पे क्या होता है? मरकरी पड़ा होता है और यहाँ पे एक लाइन होता है। बाज दफा तो आपके साथ थर्मामीटर में फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के पैमाने दी गई होते हैं, या अगर आपके साथ इसमें या फारेनहाइट भी दिया जाता है, कंपनी पे डिपेंड करता है जो जिस तरह का बनाता है, लेकिन अक्सर में आपके साथ क्या होता है? फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों होते हैं। हमारे साथ इस पे यहाँ पे ये निशानात होते हैं और इसका मार्किंग होता है यहाँ पे।
फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे सेंटीग्रेड में यहाँ पे हमारे साथ जीरो होता है, और फिर यहाँ से नीचे आके मानकी में आते हैं 10, 20 और 30 इस तरह का, फिर यहाँ पे 10+ और इस तरह ऊपर चले जाते हैं, और इस तरह हमारे साथ क्या होते हैं, यहाँ हमारे साथ फारेनहाइट में भी इस तरह होते हैं, क्योंकि हमारे साथ फारेनहाइट में जो टेम्परेचर 32 पे फ्रीज करता है, तो हमारे साथ यहाँ पे लगभग 40 लिखा जाता है और इस तरह ऊपर चला जाता है। तो ये हमारे साथ क्लिनिकल थर्मामीटर, हमारे साथ एक ऐसा डिवाइस होता है जिसपे क्या करते हैं, जिसपे हम टेम्परेचर का पैमाइश करते हैं। वैसे हमारे साथ